हाय देर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। कहते हैं कि एक इंसान को उसके सवाल से जज करो ना के जवाब से, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को उनके जवाब से जज किया जाता है। और हम यहाँ पर बैठकर अपने अपने पैरामीटर्स निकाल लेते हैं कि इतना इंटेलिजेंट होगा, इसका इतना इंफॉर्मेशन है, इसका इतना एक्सपोजर है, इतना नहीं है, और वहीं से हम उसके लिए रास्ते बनाने लग जाते हैं या उसको मेजर करने लग जाते हैं, जो कि गलत बात है। खैर, किसी भी इंसान का जहन, किसी भी इंसान के सोच का अंदाज़ा सही तरीके से तब होता है जब हम उसके पूछे गए सवाल पर गौर करें। तो आज भी हम करेंगे सवाल आपके दोस्तों से, जानने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगियों के बारे में, और साथ में करेंगे हमेशा की तरह बहुत सारा फ़न जो कि हम करते हैं। और अगर उन फन से बबू सवालों का जवाब आप भी जानना चाहते हैं कि उनके सही जवाब क्या है, तो प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं सारे के सारे जवाब अपने प्रोग्राम के आखिर में। बहुत सारे दोस्तों से आज हम आपको मिलवाएंगे और बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास भी मौजूद हैं। तो जनाब देख इस बात की, आइए मेरे पास, आइए मेरे साथ, बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मिसेस रजाक। मिसेस रजाक, अच्छा मिसेस रजाक आपको अपना भी कोई नाम होगा ना? है तो नासरा रजाक। नासरा रजाक, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा नासरा, हमेशा से लाहौर से या कहीं और से? नहीं, मैं फैसलाबाद से। तो लाहौर में कब से? 33 इयर्स हो गए। 33 साल हो गए, आप तो फिर लाहौर की है? हाँ जी, कह सकते हैं। तो फैसलाबाद वालों को ले लाहौर वाले और फिर यहीं पे बसा लिया। हाँ जी, शुक्र। ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रांजिशन के एक शहर से अपना शहर, मतलब ज़ाहिर है फैसलाबाद छोड़ के किसी और शहर में जाना, कभी पहले सोचा था आपने? अब तो खैर 33 साल गुजर चुके हैं, इस सोच को भी प्रॉब्लम्स तो होती हैं थोड़ी हैंडल करने में, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर आऊँ। कैसा वक्त था वो और कैसा वक्त है ये दोनों? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे गुजर। नहीं, बहुत अच्छे हैं। लोती थी, वहाँ भी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, यहाँ भी होती है। माशाल्लाह, क्या बात है। कहते हैं कि जो शक्कर खो रहा हो ना, अल्लाह उससे देता भी शक्कर ही है खाने को। जी शुक्र अल्लाह का। सही है ना, आपको नाज नखरे उठवाने की आदत हो तो आपको ज़िंदगी में आगे भी वैसे ही जो है आपके साथ लोग चलते हैं। कुर्बानियाँ भी तो देनी पड़ती हैं। कुर्बानियाँ भी तो देनी पड़ती हैं, बिल्कुल। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और हर तरह की चीज़ हमने देखनी होती है। मुश्किलात भी आती हैं और आसानियाँ भी आती हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 हैं, 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। क्या आज करने आई हैं आप मार्केट में? बेटी की शादी है, उसके लिए शॉपिंग करने आए। ठीक हो गया, लाहौर में ही या बाहर भेज रही हैं? लाहौर में ही है, तीनों माशाल्लाह से लाहौर में एंगेज्ड हैं। ही एंगेज्ड हैं, फैमिली में आउट ऑफ फैमिली? बड़ी की शादी हो गई है, उसकी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, अब दूसरे नंबर वाली ये भी जॉब करती है, तो इसकी शादी है। वेरी नाइस। अच्छा नासरा, कुछ हमारे दोस्तों के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर करेंगी, कोई शेर, कोई गाना या फिर कोई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी? रेसिपीज ही बस आती होती हैं। आप बस रेसिपी अच्छी से कुछ शेयर करें, बताइए ज़रा क्या शौक से बनाती हैं आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए? जी कबाब मसाला बना के आई हूँ मैं। क्या कबाब मसाला, बताइए कैसे बनता है? जी चिकन का कीमा मैरिनेट करके उसमें बस सारे मसाले वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा कबाबों पे और सीखों पे लगा के कबाब बना ले। अच्छा, मसाला खुद से बनाती हैं क्या बना बनाया लेती हैं? मैं खुद से बनाती हूँ, फिर प्याज वगैरह हल्का सा ब्राउन ये वो ग्रेवी डाल के, ग्रेवी बना के कबाब के पीसेस करके वो फिर उसमें आप डालते हैं। और बेहतरीन, सबसे ज़्यादा ना आसान, जितना कुछ भी करना है ना, जो एफर्ट करनी है वो बनाने से पहले ही करनी है, बन जाने के बाद सिर्फ आपने फ्राई करना है और 5 से 10 मिनट में कबाब रेडी है। कीमा बनाने की भी तो मेहनत होती है, मैं घर पे बनाती हूँ, मैं बाजार से नहीं। अभी आप घर में बनाती हैं? हाँ जी। चिकन का क्या वजह है? साबुत पीस बाजार वाले उसमें ना चिकनाई और चर्बी वर्बी डाल देते हैं, वो नहीं अच्छा बनता। शायद वो पानी से भी कुछ धोते हैं, अब हमें क्या पता कि कैसा पानी इस्तेमाल करते हैं कैसा नहीं, तो वो पानी से फूल जाता है गोश्त, वो उसका वजन भी थोड़ा उनके हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, तो मैं फिर घर में चिकन लेके ना तो खुद बनाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा नासरा, आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे कि हमारे भी नॉर्म है कि हम अपने हर दोस्त से, हर मेहमान से एक सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जवाब तक पहुँच पाते हैं या नहीं, और अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? ओके डील डन जनाब। चले अच्छा नासरा, तो हमारे पास पहले आ रही थी ना, तो घबराई घबराई से, अच्छा क्या सवाल पूछेंगे, क्या बात करेंगे। अच्छा तारिक अजीज साहब तो बता देते थे, बट क्या तारिक अजीज साहब की तो क्या बात है, उनका तो कोई पैरेलल नहीं है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है, उनका तो कोई सानी नहीं है, वो तो पायनियर है, वो तो उस्ताद है, और उस्ताद जो है वो हमेशा से इसी तरह से ज़िंदा रहेंगे और याद भी रहेंगे। करेंगे सवाल, चले जी आपसे सवाल है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? एलिफेंट।
आपको कैसे पता था? एक बात बताएं, कुछ करके आई थी, लिटरली ऐसा हो नहीं सकते कि इतनी जीनियस और इतनी समझदार हमारी जो खातून खाना हमारे, इतनी माशाल्लाह। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। फिर अब ये बता दीजिए कि आपको कैसे जवाब आया? नहीं, मैंने खुद ही सोचा था, वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आपने बखुद ही से सोच लिया? सीधा ख्याल हाथी पर गया, जानवरों पे नजर दौड़ाई, कौन कौन से आप दांतों वाले हैं। पक्की बात है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर, अच्छा मेरी तरह कैमरे में सीधे हो जाए। क्या करते हैं मोहम्मद अनवर आप? मैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटर हैं, किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं? ये जो कॉस्मेटिक। कब से कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं? एक साल हो गया तकरीबन। क्या सोचकर आप ऑनलाइन कॉस्मेटिक सेल में आए? इसमें ज़्यादा फ्यूचर है, इजली काम हो जाता है। ऑनलाइन में या कॉस्मेटिक के काम में? ऑनलाइन में। ऑनलाइन में, चाहे वो किसी भी चीज़ का के लिए आप करते हैं? क्या करते हैं कॉस्मेटिक में, क्या क्या आप सेल कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? ये मेरा एक है, वो सारा उसकी अपनी प्रोडक्ट्स है, ये जो होती है ऑर्गेनिक लेयर्स के लिए मसाज ऑयल, स्किन केयर का काम, जो 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 भी सामान है उस उसके लिए आप कर रहे हैं ना? वो आप उनके साथ कर रहे हैं, उनसे सीखा है, उनकी पार्टनरशिप में है, क्या है? हम सिर्फ अपना सेल करते हैं। सेल करते हैं बस, और वो अपना बना रहे हैं प्रोडक्ट्स उनके हैं और आगे आप लोग मार्केट कर रहे हैं। वेरी नाइस, कैसा चल रहा है सब कुछ? शुक्र है। पर सिर्फ यही काम आप कर रहे हैं या आप कोई और काम भी कर रहे हैं? इसके अलावा गांव में है कोई ये जिम्मेदार है। दोबारा बॉडी कैमरे की तरफ कर लें। अच्छा, तो वो जमींदारी को भी आप देखते हैं? जी, वो उसको भी देखते। किस गाँव से ताल्लुक है आपका? हमारा फुलरवान वजीर के। फुलरवान वजीर के, शाम के एम हमारा सिटी है और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, बहुत सारे ऐसे नाम है और बड़े मुश्किल मुश्किल से, और बड़े स्ट्रेंज तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमने सुने नहीं होते या कभी बोले नहीं होते, अगर सुने होते तो बोले नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। सेम हाउ देयर आर ब्यूटीफुल विलेजेस, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाँव हैं, कस्बे हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, तो उसमें से एक आपका भी है। कोई ख़ास बात बता दें अपने कस्बे के बारे में, अपने गाँव के बारे में। हमारे गांव के जो हैं लोग अभी तक भी बड़े सादा और खुश इखलाक हैं। अच्छा, रहन सहन कैसा है? लोग डेवलप कर गए हैं, पक्के मकानों पर आ गए हैं, बिजली है, सब ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे शहर में मौजूद होती हैं वो सब कुछ है, कि अभी भी लोगों का जो रहन सहन है वो उसी तरह से सादा और कच्चे मकानों में? तकरीबन जो डेवलप हुआ है ना वो तकरीबन 40%। 40% भी बेहतरीन, ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट चलो कोई कोई ना कोई शक्ल तो देहात की या दही जिंदगी की बाकी है। यस, नाइस। चलें, आपको सुनाएंगे, आप शायरी करेंगे, आप गाना सुनाएंगे, क्या करेंगे? मैं एक अच्छी, मैं एक वो कवाले जरिए वो बताऊंगा कि लोगों के लिए जीना चाहिए, आपके लिए लोग फिर जीते हैं। आप दोबारा कैमरे में मुड़ जाएं, अब आप बोलें ज़रा। लोगों के लिए जीना चाहिए, लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो लोग आपके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। फिर भी अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको बताऊं मैं? वो जो है ना ये सिस्टम जो होता है, फिर इस तरह तो फिर अच्छाई रुक जाती है ना, अच्छाई करता रहना। कितने अच्छे हैं ना, कितना मासूम है, सही है। मतलब अभी भी तो लग रहा है कुछ शहर की हवा नहीं लगी है, तो अल्लाह ना करे कि आपको शहर की हवा लगे। करेंगे आपसे सवाल, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन। चलिए जी, सवाल हमारा आपसे है, मुझे बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ बच्चे के पैदा होते ही उसकी उम्र 9 माह लिखी जाती है? वो तो किसी अंग्रेज अंग्रूज का मुल्क है, कोई पाकिस्तान, कोई पंजाबी था, कोई पाकिस्तान ने सवाल कर लें आपसे। चले आपसे पाकिस्तान वाला सवाल कर लेते हैं। चले मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है? पाकिस्तान का कौमी जानवर वो शाहीन। तो आपसे हमने अपने घर वाली बात की थी, यहाँ तो ऐसे ना करें आप अनवर साहब, कौमी जानवर बता दें आप। मारखोर। क्या कहने लगे हैं? गिफ्ट हैम्पर देंगे आपको एक, हम और आपकी जानिब से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। कहते हैं मतलब के ही यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब दसने वाले हैं, और किस में कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं।
हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से। बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले मिलवाया, बहुत सारे और भी दोस्तों से आपको मिलवाना बाकी है। कभी कभी आपको एक ही दोस्त नज़र आ रहा होता है, लेकिन क्या करें कि हमारे प्रोग्राम को जब बैलेट किया जा रहा होता है तो शफलिंग भी होती है। आप सोचते होंगे कि भाई अभी तो हमने किसी एक ही दोस्त से मुलाकात की, और जोया हमें कह रही हैं कि हमने बहुत सारे दोस्तों से आपको मिलवा लिया है। अक्सर हम तो बात कर चुके हुए होते हैं, लेकिन आप तक प्रोग्राम का सिर्फ वही चंक ही पहुँच पाता है जिसमें शायद आपको कोई एक ही दोस्त नज़र आता है। खैर, अब हम ब्रेक के बाद आ गए हैं और अब हम बढ़ने वाले हैं आपके बाकी दोस्तों की जाने भाई, आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? निमरा मुबीन। दोबारा बताइए। निमरा मुबीन। निमरा मुबीन, वो इतनी बारीक सी प्यारी सी आवाज है ना, मैंने कहा दोबारा पूछ लू, ऐसे लगे जैसे कुछ चिड़िया बोल रही है। निमरा क्या करती हैं आप? मैं एफए की स्टूडेंट हूँ, तो बस शादी हो गई है इनसे मेरी। तो इनसे आपकी शादी हो गई है जी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कब हुआ? ये बस रिसेंटली 4 महीने हो गए हैं। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि बस जैसे होता है हुआ, बस जैसे होता है। मतलब ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई? हमारी जो है वो फ्रेंडशिप थी, फिर हमने शादी कर ली, तो बस आगे स्टडी मैं कर रही थी, मैट्रिक में थी, तो फिर आगे मैंने पढ़ाई। अभी भी आप पढ़ रही हैं? जी जी, अभी पढ़ी हूँ, फिर की स्टूडेंट हूँ, आगे मैंने आईटी करनी है इंशाल्लाह। वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग। ससुराल के साथ रह रहे हैं आप लोग, इंडिपेंडेंट रह गए हैं, कहीं गांव में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? रह रहे हैं तो ससुराल वालों के साथ ही जी। कैसा लग रहा है, एक बिल्कुल नया, नई जिंदगी, नया सेटअप और नए लोग, नया खानदान, नई जगह, नया घर, सब कुछ नया नया? बिल्कुल, ऑब्वियसली नया खानदान एंड न्यू सिटी। वी आर फ्रॉम कराची, यहाँ पे शादी होके आई। वैसे मैंने लाहौर कभी नहीं देखा था, तो यहाँ फर्स्ट टाइम। सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लाहौर आऊँगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि कराची में शादी। सुन लो लाहौर वालों, ये कहते हैं कराची वाले तुम्हारे बारे में, कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ आके बसेंगे आगे। नहीं, मेरी वैसे विश थी कराची। नहीं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम भी कराची से ही है। नहीं, लाहौर आने की मेरी ख्वाहिश थी, मैंने सुना था कि लाहौर में काफ़ी अच्छी जगहें हैं देखने, हिस्टोरिकल वगैरह, तो सारी देखी है माशाल्लाह। हमने तो आज मार्केट में क्या देखा है? मार्केट आए लोगों के, मार्केट में मैंने कुछ खास नहीं, ऐसे ही बस आए थे। बता दो ना क्या देखा है, क्या ब्रांड देखे हैं बस, और क्या कुछ खरीदना है, क्या करना, खाना है, पीना है? कुछ भी नहीं था। खाना पीना है? नहीं नहीं, खाना पीना, घूमना फिरना है? घूमना फिरना, घूमने फिरने के लिए आए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबीन खान। मुबीन खान, मुबीन खान, आप क्या करते हैं? मैं क्या नाम है, शेफ हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखा, कब सीखा और कैसे सीखा? मैंने कैपरी रेस्टोरेंट से सीखा, आपके पीछे ही है। और हमारे पीछे तो बहुत कुछ, वो पता नहीं क्या है, मतलब कहाँ है? बंदूक के सामने है कैपरी रेस्टोरेंट, और अभी मैं कराची बड़ा बुखारी में करता हूँ। आपने कितने अरसे वहाँ सीखा? यहाँ पे मैंने क्या नाम है, 6 माह। 6 माह सीखा। अच्छा, मुझे बताइए मुबीन, क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं सभी कुछ बना, पाकिस्तानी कढ़ाई है, सभी बना लेता हूँ। सभी, दिमाग की दही भी बना लेते हैं? दिमाग की दही तो बहुत ज़बरदस्त बना लेता हूँ ना। दिमाग की दही जब किसी की बन जाती है तो आगे क्या करते हैं? आगे ये होता है कि फिर वो दिमाग की दही बन जाती है, पक जाता है, वो चले जाते हैं फिर। जाते हैं, गुड। खैर, विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जो भी करें अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बढ़ें, और इत्तफाक से, प्यार से, मोहब्बत से अपनी अपनी फैमिली को और अपनी नई फैमिली को भी लेके चलें। क्या सुनाएंगे, गाना, शायरी? शायरी सुनाएंगे मैं। सुनाइए, हम भी सुनाइए सुनाइए हो रहे हैं, सुनाइए। कहते हैं मतलब के ही यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब दसने वाले हैं, और किस में कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। ओए होए, क्यों आपने क्यों ऐसा काम किया? बहुत टाइम था कि आपके पास फ्रेंडशिप, मेरा जब लड़के से फ्रेंडशिप किए तो उसमें बहुत धोखे मिले ना, इस वजह से। लड़कियों से जी? लड़कियाँ, लड़कियों से, लड़कियों को लड़कियाँ कभी रास नहीं आती है। बिल्कुल, लड़कियों को लड़कियाँ कभी रास नहीं आती। आपने लड़ा के लड़कों को लड़के बड़े रास आते हैं, मतलब बॉयज बॉयज की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप रहती है। लड़की लड़कियों की बिल्कुल नहीं बनती, नहीं बनती। होता है कोई जेलेसी होती है, हेट होती है, क्या होता है आखिर? जेलेसी होती है बिल्कुल, ईगो बहुत ज्यादा है ना आजकल लड़कियों में। उसके पास ऐसा क्यों अच्छा है, ये मेरे पास क्यों नहीं है? बिल्कुल गुड। खैर, अब इस डर्टी गेम से और कंपटीशन से हम तो बाहर निकल आए हुए हैं, अब हम करेंगे प्यारे प्यारे से सवाल, और अगर आप हमें सही जवाब देंगे तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। मोबाइल डी डन डन। ओके, सो माई क्वेश्चन इज, गौर से सुनिएगा क्योंकि अक्सर लोग सवाल गौर से नहीं सुनते हैं और जवाब सवाल में ही होता है।
सो वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं और किसी और महीने में नहीं? ठंड को आप जनवरी में भी देख सकते हैं, फरवरी में भी देख सकते हैं, दिसंबर को तो नहीं, दिसंबर में देख सकते दिसंबर को तो दिसंबर में हाँ कुछ करीब करीब है, बस दिसंबर डी हम मिला लें तो बस जवाब तो आपका 50% सही है। आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर एक हमेशा की तरह और याद दिलाता रहेगा आपको कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इमरान काजमी। इमरान काजमी साहब आप क्या करते हैं? मेरी थोड़ी जमीन है, मैं जमींदारा करता हूँ। अच्छा, तो आप जमींदारा शुरू से करते हैं, शुरू से आप इसी काम में रहे और इसी को ही बड़े अच्छे तरीके से किया, मुतमईन रहे? बेहतरीन। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? शेखुपुरा से। शेखुपुरा कैसा इलाका है मुझे बताइए, मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ। शेखुपुरा बड़ा अच्छा इलाका है और बड़ा कम डिफरेंस है लाहौर और शेखुपुरा में, थोड़ा डिस्टेंस है। ट्रैवलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं आप? ट्रैवलिंग के हवाले से अच्छा शहर है, फासला कम है लाहौर से, कम है 30 किलोमीटर है और वहाँ पे फोर्ट है वो भी बड़ा प्यारा है और हीरा मीनार बड़ा खूबसूरत। कौन सा फोर्ट है शेखुपुरा में? शेखुपुरा में इस फोर्ट मेरा नाम मिस कर रहा हूँ मैं, और हीरा मीनार बहुत खूबसूरत जगह है। हीरा मीनार बिल्कुल सुना भी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है जगह। और इसके अलावा बताइए शेखुपुरा दरखेज है? दरखेज है अच्छा है, ये सारा चावल का सारी पट्टी है ये वाली जितनी भी है। और इसके अलावा वहाँ पर क्या ज्यादा कास्ट किया जाता है चावल के अलावा, या चावल ही वहाँ की मेन कास्ट है, चावल और गंदम? हाँ। फलों में डेवलपमेंट नहीं हुई वो पॉलिटिशियंस की वजह से शायद, तो ये क्या बात हुई हमारे पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ से इनका ताल्लुक होता है, जहाँ से उनके रूट्स होते हैं? वहाँ बहुत दफ़ा नून लीग को अलग मौका मिला है और लेकिन फंड्स भी बड़े अच्छे मिले इनको, लेकिन काम नहीं हुआ। शुक्र पता है आपको हमारे पॉलिटिशियंस पता क्या चाहते हैं कि अगर उनका मतलब बात हम कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि अगर मेरे ड्राइवर का बेटा अभी पढ़ के उसी रेस्टोरेंट में खाना खाएगा जहाँ पर मैं खाता हूँ तो फिर मैं तो फिर पीछे रह जाऊँगा, मेरा ड्राइवर आगे निकल जाएगा। कॉम्प्लेक्स है इन छोटे इलाकों में, तो इसीलिए शायद ये बढ़ शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर ये लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, तो फिर इनको मौका भी नहीं देना चाहिए, लोगों को नहीं देना चाहिए ना सर, भी नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, और जब इनकी कॉल आए तो सर सड़कों में भी नहीं निकलना चाहिए ना, निकलना चाहिए बिल्कुल, कह रहे हैं ना आप, और ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। जेले हैं, मतवाले हैं, फलाले हैं, मलाले हैं, मतलब घरों में बैठे भाई अपने काम करें। हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम है इनके पीछे बात, टाइम में सड़कों पे निकल आते हैं आप लोग, जो काम है वो हमें उस पर फोकस करना चाहिए और कोई पार्टी किसी कुछ नहीं देती। बिल्कुल जी, किसी पार्टी ने आपको कुछ नहीं देना है, जो देना है वो आपने अपने आप को खुद देना है, अपने लिए खुद करना है आपने। अच्छा, कुछ सुनाएंगे काजमी साहब आप, कुछ शेर, कोई शेर, कोई गाना, कोई बात आप शेयर करेंगे इसे दोस्तों के साथ, ऑडियंस के साथ? गाना नहीं, सोई भी किस्मत को जगा दें सर। नहीं, पहले इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर ली हुई हैं, अगर यही किसी को समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। सवाल करेंगे इनसे, लेट्स सी काजमी साहब आपको सवाल का जवाब आया तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? जी डन, डील है। चलिए जी, सवाल हमारा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सा कीड़ा है जिसके पर रंगीन होते हैं? पर रंगीन होते हैं, काफी सारे इंसेक्ट्स हैं ऐसे। बस आप किसी एक का नाम बता दीजिए, ऐसे कीड़े का नाम बता दीजिए। लेडी बर्ड। वैसे जवाब वहाँ से आया था लेकिन खैर मदद हो गई आपकी, और हम आपको ज़रूर गिफ्ट हैम्पर देंगे ताकि आपको याद दिलाता रहे ताकि हमने आपसे बात की थी और आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा पहाड़ों की। वेलकम बैक, जो आप आवाज़ें सुनते हैं मेरे बैकग्राउंड में मेरे भी कानों तक बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था बात करने में आपसे, कम्युनिकेट करने में। खैर, ब्रेक के बाद अब हम पहुंच चुके हैं आपके पास और बहुत सारे दोस्त हैं वो इस मार्केट में आसपास हमें नज़र भी आ रहे हैं और हमारे मुंतज़िर भी हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारे कैमरे का ट्राइपॉड लगा हुआ है और हमारे दोस्त भी वहाँ खड़े हैं। अरे मेरे साथ, क्या नाम है आपका? फातिमा उमर। फातिमा उमर, कौन सी क्लास में हैं आप? एट। अब क्लास एट्थ में हैं। और फातिमा, आज मार्केट में कैसे आना हुआ? बस मामू की शादी थी शॉपिंग के लिए। मामू की शादी के लिए क्या खरीदा? अभी मेहंदी के लिए खरीद लिया, बाकी अभी बाकी शॉपिंग करनी है।
गुड। और किसके साथ आई हैं आप? पापा के साथ। पापा शॉपिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। कितने बहन भाई हैं फातिमा आप? मैं, मेरा भाई हाशिम और मोहम्मद। मोहम्मद, वेर इज मोहम्मद? पापा मम्मा के साथ ही है। मोहम्मद की आप लोगों के साथ कंपनी नहीं है? वो छोटे हैं ना अभी, जिसकी वजह से आप लोगों से ज्यादा वो ना आप लोगों के पास नहीं रहता, ज्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंट्स के साथ फील करता है। और हाशिम से जरा बात करते हैं ना। हाशिम, कैसे हैं आप? का शुक्र। हाशिम, आप जरा बॉडी को स्ट्रेट करेंगे कैमरे की तरह, सबको नजर आए आप। अच्छा हाशिम, मुझे पूरा नाम बताइए। हाशिम उमर। हाशिम उमर, कौन सी क्लास में आप? सिक्स। क्लास सिक्स, गुड। हु इज योर फेवरेट टीचर? आवर क्लास इन चार्ज सर रिजवान। सर रिजवान, ओके। व्हाट डू यू वांट टू से टू सर रिजवान? इसको कोई बात, कोई प्यारी सी ऐसी कोई बात कभी आप वैसे ना क्लास में शेयर कर सकते हो उन्हें, आज आप कैमरे के थ्रू कह दें उनको। सर रिजवान हमें बहुत अच्छी साइंस सब्जेक्ट, वो हमें साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस सब्जेक्ट, और उनके पढ़ाने का अंदाज मतलब हम सबको बहुत जल्दी समझ आ जाती है। साइंस में क्या ऐसा उन्होंने पढ़ाया, कौन से टॉपिक आपको बहुत फेवरेट लगा, बहुत अमेजिंग लगा, जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि आप मेरा लाइन ऑफ डायरेक्शन फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या बायो होगा इन फ्यूचर? आई थिंक फिजिक्स में पढ़ना चाहूँगा। आपको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज हमारे साइंस के सब्जेक्ट, व्हाट इज स्पीड? फिजिक्स की बात कर रहे हैं जी, तो मतलब हमारा इट इज़ रिलेटिव ना, अगर कोई इशारा तोड़ के निकल गया है तो व्हाट वुड आइंस्टाइन से, भाई स्पीड इज रिलेटिव, चलेगा ना? मतलब सारी जिंदगी इंसान, हर चीज़ जो है वो रफ्तार पर ही मुश्तमिल है, और रफ्तार ही जिंदगी है, इज़न्ट इट? अच्छा चलो, मैं भी शायद अभी तुम्हें थोड़ा समझ ना आ रहा हो, बट समझ जाओगे। खैर, और बताइए, और प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करें जरा सर रिजवान के बारे में। सर रिजवान मतलब, सर रिजवान इज द रीजन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स? मतलब हमारा भी सिक्स क्लास में सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस में एक सब्जेक्ट है बैलेंस डाइट, तो उन्होंने हमें वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जब वो हमें समझाते थे तो हमें साथ साथ सारा याद हो जाता था। अच्छा, और पूछते भी हैं आप लोगों से कि कॉन्सेप्ट क्लियर है? वो हमें साथ साथ मतलब क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो साथ साथ क्वेश्चन। आर यू इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एज वेल? यू गुड इन लाइक मेंटल मैथ्स? तो जल्दी जल्दी से मतलब कर लेते हैं। वेरी गुड। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना दिया है, कोई भी बॉर्न नहीं होता, इनबॉर्न नहीं लेकर आता। मे भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन नॉट बहुत सारे, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, बट आप अपनी प्रैक्टिस से अपने आप को हमेशा अच्छा बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। गुड। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना, गाना बजाना? नो, से समथिंग एटलीस्ट। चलो कोई गाना सुना दो आशिफ। नहीं, शेर सुनाना भी सुनाना पड़ेगा ना। इलामा इकबाल का कोई? जरूर जरूर, इरशाद। इलामा इकबाल की पोएट्री है नहीं है तेरा, देख कर। इलामा इकबाल की पोएट्री नहीं है तेरा, नशेमन कस्से सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा पहाड़ों की चट्टानों में। शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ये बात, ये चीज। ओके, सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आप लोगों को मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? आई कैन हेल्प यू, हेल्प नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए तो ऑप्शंस देते हैं ना भाई, मुश्किल आसान करते हैं। शेर, बंदर, हाथी? एलिफेंट। भाई हाथी वो जानवर है जिसके टस्क, जिसके दांत जो बड़े बड़े नोकीले से लंबे से निकले होते हैं, वो सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। हम और आपकी जानवर छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा, हमने से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वेलकम बैक, हमारा मौजूद है सेलिब्रिटी मार्केट में। ठंड भी है लेकिन क्या करें, फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है।
खैर ठंड का मज़ा और सर्दियों का मज़ा तो सिर्फ फॉग में ही है, जब हम इतनी इतनी डेंस किस्म की जो फॉग देख रहे होते हैं और धुंध देख रहे होते हैं, जीरो विजिबिलिटी होती है और सब कुछ बिल्कुल एकदम से बदल सा जाता है ना, ऐसे लगता है कि जैसे हम कहीं पाकिस्तान से ट्रैवल करके कहीं और ही चले गए हैं। ख़ासतौर पर डाउन, तो खैर ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में कहीं भी ठंड नहीं होती है, हमारे शुमाली इलाका जाते बहुत ठंडे हैं और बहुत बर्फबारी भी वहाँ पर होती है और पूरा साल वहाँ पे मौसम भी बड़ा प्लेजेंट रहता है। यहाँ तक कि गर्मियों में जहाँ हम इतना भीगे फिर रहे होते हैं और गर्मी से सताए फिर रहे होते हैं, तब भी उन इलाकों में बहुत ही खुशगवार किस्म का मौसम होता है। तो इस वक्त हमारे दोस्तों का मूड भी बड़ा खुशगवार है, जल्दी से बढ़ेंगे उनकी जानिब, करेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे फन। आइए मेरे साथ, क्या नाम है आपका? सज्जाद हैदर। सज्जाद हैदर। सज्जाद हैदर, क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदार करता हूँ। आप ना उधर कर लें कैमरे की तरह बॉडी का, ऐसे ताकि सब आपको आसानी से देख सकें। कहाँ हैं आपकी ज़मीनें? वो तांदलियावाड़ा तहसील है, ज़िला फैसलाबाद। और लाहौर में कैसे आना हुआ? यहाँ बस घूमने फिरने आए हैं। घूमने फिरने किसके साथ है? फैमिली भी है आपकी आई हुई? फैमिली। गुड। कितने दिन से आए हुए, कितने दिन के लिए आए हुए हैं? आज ही आए हैं और कल इंशाल्लाह चले जा रहे हैं। एक दिन के लिए? एक दिन के लिए। बेहतरीन। कैसे लगा आपकी फैमिली को लाहौर आके? माशाल्लाह बहुत सुपर। अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाइए, मुझे बहुत पीछे की तरफ मुंह करना पड़ रहा है देखने के लिए। सो इस मार्केट के बारे में बताइए, लिबर्टी मार्केट के बारे में। यहाँ इससे पहले भी आप आए हैं या लाहौर इससे पहले भी आप आए हैं? जी लाहौर आता जाते रहता हूँ, पहले काफ़ी दफ़ा आया हूँ। लाहौर के मशहूर मशहूर खानों के बारे में बताइए, कौन कौन से मशहूर खाने हैं यहाँ के? वो नियारी है और यहाँ बट कढ़ाई। फैमिली को क्या खिलाया आपने? वो जावा कढ़ाई आज वो खिलानी है इनको। खिला दी है। खिला दी है, उसके बाद घुमाने फिराने लाए हैं। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं। सही है। अच्छा कल के बारे में क्या प्लान है, क्योंकि कल तो फिर आप लोग वापस चले जाएंगे, कोई सुबह का भी प्लान है, दोपहर में भी कोई प्लान है? सुबह इंशाल्लाह चिड़ियाघर देखेंगे, मीनारे पाकिस्तान वगैरह, इधर दाता दरबार सलाम करके फिर वापस वापस चले जाएंगे। शेर सुनाइए, कोई गाना सुनाइए। नहीं कोई नहीं आता मैम। तो सुनाना पड़ेगा। सुनाना पड़ेगा? नहीं अभी नहीं, अभी सुनाना पड़ेगा। अच्छा हमको हमी से चुरा लो, ये तो गाना है, शेर नहीं है। गाना ही है ना, गाने की तरह सुनाइए। नहीं वो सिंगिंग नहीं आती ना। कर लीजिए कोई बात नहीं, वहाँ से आंखें चुरा लीजिए। नहीं नहीं सुना दीजिए, वहाँ इनकी बेगम खड़ी है तो इसलिए ने शर्म आ रही है कि उनके सामने कैसे गाना गाऊं। सिंगिंग नहीं करता ना इसलिए। आज कर लेना। कोई और सुना दो, गजल वगैरह कुछ भी सुना दे। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बस ये भी अच्छा है, इन्होंने अच्छा अच्छा सुना। अच्छा इस गाने में कौन सा जानवर था? जानवर कौन सा? इस गाने में जानवर भी था। Honestly speaking, आपको मेरे सवाल पे हैरत हुई होगी, लेकिन इस गाने में एक जानवर भी था। आप मुझे उस जानवर का नाम बता दीजिए, आपको मिल जाएगा। बचपन में देखा था, अभी भूल गए। बताना पड़ेगा। नहीं आता। आपका सवाल ही यही है। कंफ्यूज कर रही हैं आप। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि आप गिफ्ट हैम्पर जीत जाएं। नहीं मैम याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, यही सवाल है आपका। नहीं मैं हार जाऊंगा। ये आपकी, ये तो फिर आप पर है कि आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। सही जवाब देंगे तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल सकेगा। नहीं जानवर, जानवर कौन सा था? एक जानवर था। कुकड़? बिल्कुल भी नहीं। चले थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सलमान सज्जाद। सलमान सज्जाद, क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। लाहौर में? नहीं वो तांदलियावाला। मैं फैमिली के साथ आया हूँ, वो मेरा भाई था दूसरा। वो आपके भाई थे और आप भी अपनी फैमिली को लेकर आए हैं? सही। कितने दिन के लिए आए हैं और कब वापस जा रहे हैं? कल इंशाल्लाह। अच्छा किस इलाके से ताल्लुक है आपका? शहर तो हमारा तांदलियावाला है, सात गाँव है वहाँ पे रहते हैं। तानले वाला शहर है और इसके साथ गांव कौन सा है? वो है 599 GB। दोबारा बताइए। 599 GB। 599 GB। गुलाम दी चौक। गुलाम दी चौक, बड़ा डिफरेंट नाम है, पहली दफा मैंने सुना है। वहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। अच्छा बताइए अपने अपने गांव है, गांव के बारे में बताइए, कैसा गांव है आपका? बहुत अच्छा गाँव है। सबसे ज्यादा क्या काश्त किया जाता है आपके गाँव में?
मुख्तलिफ फसलें काश्त होती हैं जैसे कि कपास होगी, मक्की वगैरह होगी, ये ऐसी फसलें काश्त। सजाद आपने नाम बताया ना अपना, सलमान। अच्छा सलमान, क्या सुनाएंगे आप, गाना सुनाएंगे शेर सुनाएंगे? गाना तो नहीं, आपको क्रिकेट के मुतल्लिक। ये बड़े समझदार हैं। नहीं अभी मैं नहीं आपसे पूछूंगी, पहले आप कोई शेर सुनाइए या कोई गाना सुनाइए, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की नॉम है कि जब भी कोई मेहमान या दोस्त हमारे पास आता है तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर करके जाता है। वो तो बात सही है आपकी, तो ऐसे है कि शेर सुना दीजिए। इतने कोई कभी किसी को सुनाया नहीं ना शेर। अच्छा, कोई ट्रक के पीछे कभी पड़ा होगा आप वाले लोग हैं कभी? नहीं नहीं, फिर तो आपने ट्रकों के पीछे जरूर ट्रैवल करते हुए आते जाते आपने जरूर देखे होंगे, शेर लिखे हुए पड़े होंगे, बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें होती हैं लिखी हुई, कुछ शेर कर दीजिए। ट्रक के पीछे अक्सर ज्यादातर लिखा होता, वो पठान लोग होते हैं ना, वो कहते साथ कभी नहीं छोड़ना, तो ये ज्यादातर मैं देखता हूँ तो इसलिए। वैसे मैंने कभी नहीं देखा वो, क्योंकि पठान लोग होते हैं ना, तो इसलिए सही है। लेकिन चलें जी, अब आपसे करेंगे एक सवाल और लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टाइम पर, और सही जवाब नहीं तो गिफ्ट टाइम पर नहीं मिलेगा। डील डन जी, डन। मेरा डील है। मुझे ये बताइए, किस कीड़े के पर रंगीन होते हैं? आप कहेंगे हमसे सारे के सारे सवाल आप जानवरों वाले कर रही हैं, कीड़ों वाले कर रही हैं, भाई मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, सवाल तो सवाल है। मुझे तो कीड़ों की इकसाम का ही नहीं ना पता। आप ये कैसे हो सकते हैं, मतलब आप गांव में रहते हैं, गांव में काश्तकार को, जमींदार को तो सबसे ज्यादा पता होता है। खैर, हम ये कुछ और कीड़ों की बात कर रहे हैं, दिमाग पे जोर दीजिए। कीड़ी होती है वो, है नहीं, मतलब आप उसको कीड़ा ही बोलेंगे ना, वो आता जिस कैटेगरी में वो आता है ना, उसे हम कीड़े ही बुलाते हैं, तो कीड़े उड़ने वाले भी होते हैं। अब आप बताइए। ऐसा कोई मेरे ज़हन में तो नहीं आ रहा। कीड़ा कोई फूलों पे आता हो, बैठता हो, चूसता हो, कोई बैठता हो, फूलों से अट्रैक्ट होता हो, फूलों जैसा हो। सॉरी, ऐसी कोई ऐसी नहीं। हाँ करे प्लीज, कुछ तो बताएं। जुगनू होता है। जुगनू चमकदार होता है, जुगनू रंगीन नहीं होता। नहीं, चलें आपकी हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। छोटा सा कीड़ा है, अंडे से निकलता है, लार्वा बनता है, लार्वे के बाद और बड़ा सुंडी की शक्ल इख्तियार करते ही उसके बाद अपने पतंगा बनता है, पतंगे के बाद एक बड़ी फॉर्म में आ जाता है और वो बड़ी खूबसूरत उसकी शक्ल होती है, उसे गालबन पतंगा ही कहते हैं। वो पतंगे के आगे कुछ होता है, वरना पहले लगा शुगर है कि पहुँच गए हैं। और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताते जाएंगे फन से भरपूर सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की थी कि वो हमें सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कोशिश की और हमने भी कोशिश की, बहुत सारे आपके दोस्तों की, ताकि वो भी सही जवाबों तक पहुँच पाएँ। खैर, सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या हैं, सुनते जाइए एक एक करके। वो कौन सा जानवर है जिसके दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं? तो वो है हाथी। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे बच्चा पैदा होती ही उसकी जो एज है वो 9 मंथ्स काउंट की जाती है, लिखी जाती है, तो वो मुल्क है जापान। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जैसे दिसंबर के महीने में ही आती है, तो दिसंबर ही दिसंबर के महीने में आते हैं, जब आप भी कहते रहते हैं, लेकिन डी लेटर है जैसे दिसंबर ही के नाम में आता है। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि किस कीड़े के पर रंगीन होते हैं? तो बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जिनमें नुमाया तौर पर तितली वो कीड़ा है जिसके पर बहुत रंगीन और बहुत ही हसीन होते हैं। बहुत आसान सवाल थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैमरा देखे हमें बहुत कुछ भूल जाता है, तो ऐसा ही हमारे दोस्तों के साथ भी हुआ था।
खैर बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42, और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। जरूर कमेंट सेक्शन में जाएगा। हेल्थी क्रिटिक्स हम हमेशा से कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर है, हमसे कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आप भी कोई सवाल चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में पूछें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर उस सवाल को मेंशन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।